नमस्कार भाई, मैं अनु सिंह जाट आज फिर आपके बीच में। लेकिन इस बार मैं कोई बिजनेस को लेके बात करने के लिए नहीं आया। मैं आज की डेट में आए बार बार लगाए जा रहे लॉकडाउन को लेकर आया हूँ। जैसा कि मोदी जी कल लाइव हुए, उन्होंने कहा कि देश की जनता हमारा साथ दे रही है या हमारे साथ काम कर रही है। मोदी जी, आप किन आंकड़ों से बोलते हो, किन चीज़ों को देखकर बोलते हो, या आपने जो कर्तव्य रख रखे हैं या जिन चीज़ों को एनालाइज करने के लिए जो लोग रख रखे हैं, वो या तो मानने आई थी बेवकूफ है या वो वैसे ही बोल रहे थे। आपने, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मैं यहाँ रहता हूँ मुरैना MP, यहाँ पर कलेक्टर के जो आदेश हुए उसके तहत इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन और बाहर से आने वाले यात्री, बस रेल से आने वाले यात्रियों को जाने की सुविधा दी गई। मार्केट बंद करने की उसमें लिखा हुआ था, वो ऑर्डर मेरे पास व्हाट्सएप में है। लेकिन आज की डेट में मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बाहर निकल जाइए। पुलिस वाले पहले 2 डंडे देंगे, उसके बाद पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, ये क्या मतलब है इस चीज़ का। और लॉकडाउन लगाना ही अगर पूरी समस्या का सॉल्यूशन है तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, बैंक, पुलिस, नेता, अभिनेता, इन सब की एक एक महीने की सैलरियां काट कर हम जैसे छोटे बिजनेसमैन, गरीब लोग, ऑटो रिक्शा या 2 सीटर चलाने वाले लोगों को वो पैसा आप उनके खातों में ट्रांसफ़र कर दीजिए। कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकलेगा, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में मिल रही है, 20 की चीज़ 25 में मिल रही है। आदमी पे पैसा है नहीं, बिना अनाउंसमेंट के, बिना किसी चीज़ के आप लॉकडाउन लगा देते हो। आपके बैंक वाले, क्रेडिट कार्ड वाले, बिजली वाले, ये साले फ़ोन कर कर के परेशान करते हैं, किस्त भरिए, बिल भरिए, फलाना भरिए, ढिकाना भरिए, हम कनेक्शन काट जाएंगे। इन विभागों को तो रोको आप। कैसे काम करें? बंगाल में चुनाव है तो वहाँ पे कोई लॉकडाउन नहीं लगा रहे हो। दमोह है, हमारे यहाँ पर दमोह में चुनाव था तो चुनाव तक आपने लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया, जबकि वहाँ 3 या 4 मौतें करीब हो चुकी हैं, न्यूज़ में देखा है, वह बताऊँगा। लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पर चुनाव होने के बाद आप लॉकडाउन लगा रहे हो। रैलियाँ हो रही हैं, इनमें कोई मास्क नहीं लगाता। आज की डेट में मेरे पास वीडियो नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ कि 100 पुलिस वाले जो ड्यूटी दे रहे हैं उनमें से 20 पुलिस वाले मास्क लगाते ही नहीं हैं, वो केवल डंडा चलाते हैं। बताइए कैसे काम चलेगा? आई कार्ड बनवा लिया, सब कुछ करवा लिया, लेकिन कहते हैं ये तो फर्जी बन जाते हैं। अब क्या अपने काम धंधे की दुकान को सर पर रख के लेके निकला रोड पर, या माइक लगा के सर पर चलें? भैया हम धंधे वाले हैं, भैया हम दूध की दुकान वाले हैं, भैया हम सब्जी बेचने वाले हैं, करोना है, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन आदमी करोना से नहीं तो भूख से मर जाएगा। भूख से जैसे तैसे बच जाएगा तो बैंक वाले, बिजली वाले, टेलीफोन बिल वाले ये मार डालेंगे। आप पिछले कोरोना काल में घोषणा करके गए थे कि 25 लाख करोड़ या 25 लाख जो भी आपने घोषणा की थी, उसके तहत मुझे बताइए कितने लोगों को लोन मिल गया MSME में जिनका रजिस्ट्रेशन था। मैं खुद बैठा हूँ MSME में रजिस्ट्रेशन का, मैं बैंक कागज़ लेके गया, बैंक वालों ने कहा आप इस क्राइटेरिया में आते ही नहीं हो, मुझे क्या घाटा नहीं हुआ था? या दूसरे मेरे भाई बहन जो व्यापार कर रहे हैं उनको घाटा नहीं हुआ था? आज भी स्थिति घाटे में, फैक्ट्री चला के क्या घंटा करेंगे हम? मोदी जी, दूसरी चीज़ आपको एक सलाह देना चाहूँगा, आप जब लाइव आते हैं ना मास्क लगाया करिए। जब देश का ही नेता मास्क नहीं लगा के बात कर रहा है तो दूसरा आदमी काय को मास्क लगाएगा? आप गाड़ी में बंद आदमी को मास्क लगाने की कह रहे हैं, घर के बाहर खड़ा है मास्क लगाने की कह रहे हैं, लेकिन आप TV पर दुनिया के सामने क्या संदेश दे रहे हैं बिना मास्क लगाए?
पहले खुद सुधरिए, फिर दूसरे को सुधारिए। आपने कुछ निर्णय अच्छे लिए तो कुछ गलत भी लिए हैं, और ये कोरोना में जो आप लॉकडाउन लगा रहे हो प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं, गरीबों की रहने खाने की व्यवस्था करिए, तो पुलिस वालों को समझाए और शिष्टाचार सिखाया करिए उनकी ट्रेनिंग में। बोलने की दो कौड़ी की तमीज़ नहीं है, चाहे वो कोई भी आपका बड़ा से बड़ा अधिकारी हो। लट उठा के चलाना चालू कर दिया, किसी दिन जनता ने लट उठा लिया ना, एक भी नहीं बचेगा। इन चीज़ों को थोड़ा समझिए और उपाय कीजिए इनका। पुलिस वालों को शिष्टाचार सिखाइए, पहले आदमी से पूछें कि कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसके बाद बात करें। मैं देखता हूँ रोज, चीज़ों को समझिए और लोगों को समझने दीजिए, थोड़ी सुविधाएं दीजिए और इन सारी चीज़ों पर अमल कीजिए। अगर मेरी बात समझ में आए तो, नहीं आए तो कोई बात नहीं, जैसे भारत चल रहा है वैसे चल ही रहा है। प्राइवेटाइजेशन आप कर रहे हो वो अच्छी बात है, कल को भारत भी बेच देना तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम मिडिल क्लास हैं, पहले भी जंग लड़ते आए हैं, आज भी लड़ेंगे। गरीब है उसको भी फ़र्क नहीं पड़ना, वो पहले भी गुलाम था आज भी गुलाम है, फ़र्क पड़ेगा आप जैसे लोगों को। जय हिंद, जय भारत।